अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम टू अवर टाइलम्स वर्ल्ड। सोची आज हमारा ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट डे है। कल हमारा व्लॉग एंड हो गया था जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे और हम गेस्ट हाउस जा रहे थे। तो आप लोग क्वेश्चन करेंगे गेस्ट हाउस क्यों जा रहे थे, अपने घर क्यों नहीं जा रहे थे। तो पॉइंट इज़ दैट कि यहाँ पर ईज़िली घर नहीं मिलते हैं, तो इसलिए हमने एयरबीएनबी से जो है गेस्ट हाउस पे बुकिंग करवाई थी अपने 3 डेज़ की। और उसके दौरान फिर हमने सोचा था कि हम इंस्पेक्शंस करेंगे, तो फिर हमने उसके दौरान इंस्पेक्शंस की थी। फर्स्ट डे में हमने 3 to 4 की थी और इसमें से 2-3 दिन में डिसाइड कर ली थी, तो वो हमने फिर आपके साथ इसमें शेयर की है। तो यहाँ पर हम उठे थे और हम फिर गए थे 7-Eleven। पहले मैंने आपको व्यू दिखाया गेस्ट हाउस से बाहर का, बहुत प्यारा व्यू था। उसके बाद हम ये 7-Eleven पे गए थे। यहाँ कॉफ़ी खुद ही बनानी होती है, सब कुछ सेल्फ सर्विंग है। तो यहाँ पर जी ये बना रहे थे कॉफ़ी और मैं इसे सिर्फ कैप्चर कर रही थी और ये खुद ब खुद बन रही थी। अच्छा लगा बहुत एक्सपीरियंस, क्योंकि ये चीज़ें नई थी इसलिए। और इसके साथ लिया था मफिन और केक, मतलब पेस्ट्री। तो उसके बाद फिर हमने किया नाश्ता और नाश्ते के बाद फिर हम इंस्पेक्शंस के लिए निकल गए। ये काफ़ी चॉइसेस थी। मैंने मफिन लिया था चॉकलेट वाला, ब्लूबेरी मुझे नहीं पसंद है। और जो केक था वो भी मैंने लिया था चॉकलेट। तो जी उसके अलावा फिर हमने डेरी मिल्क वाला भी लिया था, वो भी काफ़ी टेस्टी है। इवन फिर मैंने आइसक्रीम भी खाई थी, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी मोर व्लॉग्स में। तो ये कॉफ़ीज़ हैं जो हमने गाड़ी में रखी हुई है। और यहाँ पर अब हमारा ब्रेकफास्ट स्टार्ट होने वाला था, हमने गाड़ी में बैठ के ब्रेकफास्ट किया था क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश। यहाँ कॉन्टीन्यूसली 2-3 दिन बारिश होती रही है, बहुत अच्छा वेदर हुआ हुआ था। फिर जी ये अब हम जा रहे थे इंस्पेक्शन के लिए। फाइनली हम इंस्पेक्शन वाली जगह पर पहुँचने वाले थे और प्रॉपर्टी मैनेजर वहाँ पहुँच गया था ऑलरेडी। हम उस लोकेशन पर पहुँच के उसके साथ उसने हमें इंस्पेक्शन दिखाई, एक मैंने आपके साथ शेयर की है, 2 से 3 हमने देखी थी। 2-3 डेज़ हम यही काम करते रहे, साथ साथ हम ग्रोसरी भी कर रहे थे। जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए होती थी चीज़ें, वो प्रॉपर जो ग्रोसरी है घर की और जो चीज़ें वगैरह चाहिए थी, वो हमने घर मिलने के बाद की थी। तो जी यहाँ हम इंस्पेक्शन एजुकेशन पर पहुँच गए थे और अब हम जा रहे थे दोनों। तो उसका ओवरव्यू भी आप लोग करेंगे। ये भाग रहे थे और मुझे भी कह रहे थे भागो भागो, व्लॉग को बाद में कर लेना, बट मेरा व्लॉग चल ही रहा था। और जी उसके बाद जो था वो हमने, भूख लग गई थी, हम अलजन्ना भी गए थे। इतना कोई अच्छा नहीं लगा, उनके फ्राइज अच्छे थे लेकिन जो उनके थे बाकी चिकन पीस और रोस्ट, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। ऑनेस्ट रिव्यू है ये। लेकिन चब्बी बंस बहुत अच्छा लगा है। चब्बी बंस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो तो ऑलमोस्ट हम वीक में 2 से 3 दफ़ा जाते हैं। उसके लोडेड फ्राइज़ कमाल हैं और जो उनके प्लेन फ्राइज़ हैं वो भी बहुत टेस्टी हैं। इंस्पेक्शन का ओवरव्यू हो गया था, अलजन्ना में आ गए थे, यहाँ पर हमने खाना शाना खाया और देन फिर हम निकल गए। अब हम निकल रहे थे यहाँ से, हमने जाना था कुछ चीज़ें लेने जो हमें चाहिए थी, लाइक मिल्क, ब्रेड, बटर, चॉकलेट्स एज़ यूजुअल, इट्स वेरी कंपल्सरी। तो जी इसके बाद हमने जब वो कर लिया था ग्रोसरी में, काफ़ी मज़ा आ रहा था करने में क्योंकि अभी ये प्रॉपर घर की नहीं थी, बट जो थी उसमें अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि हाँ मैंने तो पाकिस्तान तक देखी ही थी और इन्हें एक्सपीरियंस था क्योंकि इन्हें 1.5 ईयर ऑलमोस्ट हो गया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर डेरी मिल्क वाली आइसक्रीम भी थी और जी वो भी थी ओरियो वाली भी, किट कैट भी, मतलब हर चॉकलेट की आइसक्रीम थी। मैं तो देख के बहुत शौक भी हुई थी और बहुत अच्छा भी लगा था। फिर मैंने ट्राई की थी, मैग्नम भी थी बट मुझे कैरामल फ्लेवर नहीं पसंद है तो फिर मैं वो नहीं लेती, वो फिर किसी भी चीज़ में हो, चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो, वट एवर। तो जी हमने जो था यहाँ पर ये लिया था इसका टिन, इस टिन को फिर हमने घर आके खाया था। मफिन वाला फ्लेवर लिया था, सो था, बहुत अच्छा नहीं था, बट डेरी मिल्क वाली जो आइसक्रीम थी वो अच्छी थी, वो हमने नेक्स्ट डे खाई थी। इधर पैकिंग होती है, एक बॉक्स में 4 होती हैं और वो हमने दोनों ने 2-2 खाई थी।
यहाँ चॉकलेट्स थी, टुबलीरोन है मुझे बहुत पसंद है वो ली थी, फेरो रोशर्स ली थी, और इसके अलावा बियोनो ली थी। हाँ ये तीनों मस्ट हैं। और जी इसके बाद ये रैबिट बड़े क्यूट से थे, एक इन्होंने बनाया हुआ था मेटल टाइप का फॉइल रैपिंग के साथ, और इसके साथ हमने मस्तियाँ शुरू कर दी थी, और एक इन्होंने प्लास्टिक रैपिंग में बनाया था। तो जी उसके अलावा और भी वह काफ़ी क्यूट क्यूट चीज़ें थी, बच्चों की चीज़ें थी, बट हम यहाँ शुरू हो गई थी, यहाँ नुटाला था, ये भी हमने लिया था। बेसिकली ये चॉकलेट नहीं है, ये सेपरेट है, तो इसे बटर पे हम यूज़ करते हैं अक्सर, हम इसका ही जो है ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये केक थे, हम यहाँ आए थे बेसिकली वूलवर्थ पे, यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट है हराम और हलाल का, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आपने हलाल जो लेना है लाइक मीट वगैरह वो कौन से सुपरमार्केट से लेना है, अगर आपने ग्रोसरी करनी है तो वो आपने कहाँ से करनी है, आपने घर की चीज़ें लेनी है इलेक्ट्रॉनिक्स तो वो आपने कहाँ से लेनी है, हर चीज़ का अलग अलग है। मैं आगे आपको हर व्लॉग में बाकायदा मेंशन करूँगी कि जो लोग आ गए हैं या जो आना चाहते हैं, जो आने वाले हैं, उन सब के लिए ईजी हो जाए, उन्हें ना होना पड़े ख्वार, एज़ यूजल हम तो उन्हें, बट मेरा भी ये सीन था कि इन्हें काफ़ी कुछ पता था तो इतना वो नहीं होना पड़ा, बट जो जो चीज़ें नई नई चाहिए थी वो हमें ढूंढने से ही मिली थी। यहाँ ख़ुद सेल्फ सर्विस है, ख़ुद ही बिलिंग करो आके, और ख़ुद ही जी अपना बिल निकालो, कार्ड से पेमेंट करो, वो आप फ़ोन में कार्ड रख लें या फिज़िकल रख लें, वट एवर। तो यहाँ पर ये अब डाल रहे थे पेट्रोल अपनी गाड़ी में, और यहाँ पर सेल्फ सर्विस है हर चीज़ में, ईच एंड एवरी थिंग। आप किसी स्टोर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, बहुत शादर नादर है कि आपने खुद नहीं करना, अदरवाइज़ काउंटर पे आपने सब यहाँ ख़ुद करना है, क्योंकि यहाँ पर किसी को किसी पे डाउट नहीं होता, कोई दो नंबरी नहीं है, आप अपना काम खुद करो और जाके पेमेंट कर दो। इवन बहुत ही जगह पे तो कैशियर नहीं भी बैठे हुए, आपने खुद करनी है। यहाँ पर पहले डिसाइड करना होता है कि आपने डालना है कौन सा पेट्रोल, डीजल का ऑप्शन भी होता है और पेट्रोल का भी होता है यहाँ। ओह जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये है कि हर चीज़ में इन्होंने 3 से 4 तो एटलीस्ट कैटेगरीज की दी होती हैं, उससे ज़्यादा हो सकती हैं, कम नहीं। तो यहाँ ये पेट्रोल डाल रहे थे, मैंने इनसे ये पूछ रही थी इस बारे में कि ये कैसे मतलब यहाँ लोग कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा यहाँ पर सब एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, यहाँ पाकिस्तान वाला हाल नहीं है। तो जी यहाँ पर इन्होंने अपना पेट्रोल पूरा किया जितना इन्होंने डलवाना था, और देन फिर अंदर जाके इन्होंने कैशियर को पेमेंट की, और पेमेंट करके फिर हमने शेक के साथ शुगर मेला किया। इन्होंने कॉफ़ी ली, मैंने इन्हें कहा जी कॉफ़ी ले लें, कॉफ़ी एज यू ये लिए कैपेचोनो रहते हैं और ये मैं फ़्लैट वाली, बट मैंने यहाँ इनके साथ कर दिया प्रैंक और इनकी हो गया मोए मोए। तो जी उसके अंदर ये हुआ कि इनकी इतनी बुरी शक्ल बन गई थी, क्योंकि वो कॉफ़ी जो थी उन्होंने आधी से भी कम दी, क्वार्टर मतलब 1 and 4 हाँ, तो वो दी, और उसके बाद इन्होंने कहा अब मैं आपके साथ करूँगा, बट इन्होंने किया नहीं। तो हम शेक की तरफ आए थे, तो शेक नहीं सॉरी स्मूदी की तरफ आए थे, शेक का ऑप्शन था बट वो शायद उनकी मशीन काम नहीं करती, फिर हम स्मूदी की तरफ आ गए। यहाँ पर हमने चूज़ किया क्लासिक, क्योंकि मुझे यहाँ के मैकडोनल्ड्स का वनीला फ्लेवर अच्छा नहीं लगा, पाकिस्तान का मुझे बहुत पसंद है मैकडोनल्ड्स का, बट यहाँ का पसंद नहीं आया, तो मैंने कहा 7-Eleven का ट्राई कर लेते हैं। फिर जी हमने इनका स्मूदी ट्राई किया जिसमें हमने क्लासिक फ्लेवर चूज़ किया, और देन फिर इसने सब कुछ खुद करवा के इवन बर्फ़ भी ग्रैंड करके हमें दी। देन यहाँ से हम गए घर, थोड़ा बहुत रेस्ट किया, और उधर से फिर हम गए चबी बंस लोडेड फ्राइज़ खाने, उनके बहुत टेस्टी हैं, उस पर इवन उन्होंने बीफ की ना वो की हुई है श्रेडेड ऊपर डाल के, मैंने यहाँ फर्स्ट टाइम देखा है, हालाँकि मैंने खुद कभी नहीं ये एक्सपीरियंस किया, बहुत टेस्टी है। इसके अलावा इनके प्लेन फ्राइज़ भी हैं, और ये चीज़ सोलो भी बहुत टेस्टी है कोल्ड ड्रिंक। और इसके अलावा बारिश हुई हुई थी, इसकी ग्रीनरी बहुत खूबसूरत लग रही थी। होप सो यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ह्यूज थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।